तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट को इंस्टाग्राम से डिसकनेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपस में कैसे इसको डिसकनेक्ट करना है। तो अगर आपका फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट आपस में कनेक्टेड होता है, तो कनेक्टेड होने से होता ये है कि जब भी आप इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट करते हो तो उसका क्रॉस शेयरिंग हो जाता है फेसबुक पे भी ऑटोमेटिकली। ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट आपस में कनेक्टेड है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दिया है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मैंने ये फ़ोटो पोस्ट किया था 23 अगस्त को, और ये सेम फ़ोटो मुझे फेसबुक पे भी पोस्ट किया हुआ मिल जाता है और ऑटोमेटिकली पोस्ट हो गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट आपस में कनेक्टेड है एक ही अकाउंट सेंटर से। तो दोनों अकाउंट को मैं आपस में डिसकनेक्ट करना चाहता हूँ। वैसे इसके अलावा अगर आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम आपस में कनेक्टेड होता है तो इससे ये भी होता है कि आपके फेसबुक फ्रेंड आपको इंस्टाग्राम पे डिस्कवर कर पाते हैं। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आप यहाँ मोबाइल के स्क्रीन पे देखते रहिए। अगर मैं यहाँ इंस्टाग्राम पे जाऊँ, अपने प्रोफाइल में जाता हूँ इंस्टाग्राम के, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में जाने के बाद अगर इस टॉप राइट कॉर्नर में इस 3 लाइन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे सबसे नीचे डिस्कवर पीपल दिखाई देता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कॉन्टैक्ट का परमिशन मांगता है, मैं अलाउ कर देता हूँ। आप चाहो तो डू नॉट अलाउ कर सकते हो। कॉन्टैक्ट का परमिशन देने से ये होगा कि आप उन लोगों को भी डिस्कवर कर पाओगे जो कि आपके कॉन्टैक्ट में हैं, जिसका नंबर आपके कॉन्टैक्ट ऐप में सेव किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइंड योर फेसबुक फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन मुझे तभी आता है जबकि मैं अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को आपस में कनेक्ट करके रखता हूँ। तो अब मुझे डिसकनेक्ट करना है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं तो ढूंढ ही सकता हूँ अपने फेसबुक फ्रेंड को इंस्टाग्राम पे। सिमिलरली मेरे फेसबुक फ्रेंड भी मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढ पाएंगे क्योंकि मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है। तो चलिए अब बात करते हैं कैसे आपको डिसकनेक्ट करना होता है, या फिर कैसे अगर आप चाहो तो केवल इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट कर सकते हो, वीडियो पोस्ट कर सकते हो बिना उसको क्रॉस शेयर किए फेसबुक पे। तो अभी मैं अगर यहाँ पे बैक कर लेता हूँ तो यहाँ पे जब मैं कोई पोस्ट करने जाता हूँ, यहाँ प्लस पे क्लिक करूँगा। प्लस पे क्लिक करने के बाद मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से नेक्स्ट क्लिक करना है। यहाँ पे आप नीचे देखोगे शेयर टू फेसबुक, ये मेरा ऑन किया हुआ है। इसी की वजह से अगर मैं अभी इस फोटो को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ तो ये फेसबुक पे भी पोस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली सेम कैप्शन के साथ। तो अगर आप क्रॉस शेयरिंग रोकना चाहते हो तो सिंपली यहाँ से आपको पोस्ट करते दौरान ही सेटिंग को ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से मैं ऑफ कर दूंगा तो पोस्ट नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कम्प्लीटली मैं दोनों अकाउंट को डिसकनेक्ट कर दूं ताकि मेरे फेसबुक फ्रेंड्स मुझे इंस्टाग्राम पे डिस्कवर ना कर पाए, तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, इंस्टाग्राम अकाउंट में आ जाना है। यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लिया। इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पर अगर आप टॉप राइट कॉर्नर में इस 3 लाइन पर क्लिक करते हो और सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाते हो, तो सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पर आपको अकाउंट सेंटर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो अकाउंट सेंटर का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी कि मेटा अकाउंट सेंटर का क्या कॉन्सेप्ट है, तो अकाउंट सेंटर से आप अपने सारे मेटा अकाउंट यानी कि फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, मैसेंजर अकाउंट, इन सबको आपस में कनेक्ट कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, ताकि जो भी आप कंटेंट एक प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करो उसका क्रॉस शेयरिंग दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी कर सको और दूसरे प्लेटफॉर्म से भी लोगों को मेटा के अलग प्लेटफॉर्म पे डिस्कवर कर सको। यानी कि फेसबुक के फ्रेंड्स को इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हो, इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स को फेसबुक पे ढूंढ सकते हो, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको अकाउंट सेंटर पे क्लिक कर लेना है। अकाउंट सेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का प्रोफाइल दिख जाता है। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे दोनों दिख जाता है। आप चाहो तो और भी अकाउंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और भी अगर आपका कोई दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, कई लोग एक से ज़्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट, एक से ज़्यादा फेसबुक अकाउंट चलाते हैं, वो यहाँ पे अकाउंट्स को ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट्स को एक ही अकाउंट सेंटर में ऐड कर सकते हैं ताकि सारे अकाउंट्स पे एक साथ कोई भी फोटो पोस्ट कर सके या फिर कोई भी कंटेंट पोस्ट कर सके। यहाँ पे आपको बैक कर लेना है। तो अकाउंट सेंटर में आने के बाद अब डिस्कनेक्ट कैसे करना है, ऐड करने का तो मैंने आपको बता दिया। डिस्कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको अकाउंट्स का ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सेटिंग के नीचे, और यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट दोनों दिख जाता है। तो मुझे इसको रिमूव करना है, यानी कि फेसबुक अकाउंट को अकाउंट सेंटर से रिमूव कर लेना है। इस पर क्लिक करके रिमूव पे क्लिक करना है जो कि फेसबुक अकाउंट के सामने दिखाई देता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो रिमूव अकाउंट, और यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है यू विल लूज एसेस टू कनेक्टेड एक्सपीरियंस। कनेक्टेड एक्सपीरियंस मीन्स क्रॉस शेयरिंग, जो भी कॉन्टेंट होता है उसका क्रॉस शेयरिंग। इसके अलावा
अकाउंट रिमूव करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका अकाउंट डिलीट होगा, बस आपस में डिस्कनेक्ट होने जा रहा, कोई भी अकाउंट आपका डिलीट नहीं होगा। आप सेपरेटली फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को एक्सेस कर पाओगे, लॉगिन कर पाओगे। यहाँ पे सिंपली मुझे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है, अगेन यस रिमूव इस पर क्लिक कर लेना है। और इस तरीके से आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को आपस में डिस्कनेक्ट कर सकते हो, दोनों का क्रॉस शेयरिंग रोक सकते हो, और इसे भी रोक सकते हो कि आपका फेसबुक फ्रेंड इंस्टाग्राम पे आपको डिस्कवर ना कर पाए और वाइस वर्सा।